सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड निकालने के लिए बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मैथ पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान करेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप जो है किसी भी क्वेश्चन को गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो आप बड़ी ही आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 3xy+9, इसको क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के पहले क्या है 3xy, प्लस के बाद क्या है सिर्फ 9 है। यानी सबसे पहले प्लस का इस साइड क्या है और प्लस के दाहिने साइड क्या है दोनों को देखेंगे और दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिलेगा, यहाँ तो एक्स है इसमें एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है इसमें वाई नहीं है, लेकिन इसमें 9 है और इसमें 9 नहीं है, लेकिन 3 तो है, 3 है इसमें और इसमें 9 है, 3 है इसमें और इसमें 9 है। तो 3 जो होगा हमारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 9 में भी तो 3 है। हम 9 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम 9 को 3×3 लिख सकते हैं, 9 को 3×3 लिख सकते हैं ना। तो 3×3 फिर 9 हो जाएगा, और इधर क्या है 3xy है, तो जैम कहते हैं लिख लेंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 हो गया ना, तो 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया, तो xy बच जाएगा। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर डबल 3 है, 1×3 तो बाहर निकल गया है, यानी यहाँ पर 1×3 यहाँ पर बच जाएगा और यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें प्लस के पहले क्या है, तो 4xy है, प्लस के बाद क्या है, तो यहाँ पर 8y है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता जुलता हो। यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई है और प्लस के इधर भी क्या है वाई है, इधर क्या है एक्स है लेकिन इधर एक्स नहीं है, इधर क्या है 4 है लेकिन इधर क्या है 8 है। तो 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 8 में भी 4 छिपा हुआ है। अगर 4 से भाग करेंगे 8 में, यानी हम 8 को यहाँ पर 4×4 लिख सकते हैं, 4+4 तो कॉमन हो जाएगा ना। यानी 2, यहाँ पर 8 को 2×4 लिख सकते हैं, 2×4 हो जाएगा और 4 जो हो गया हमारा कॉमन हो जाएगा। तो चलिए कॉमन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर है 4, इसमें दोनों में y मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 4y कॉमन ले लेंगे और कोष्ट में ऐसे कर देंगे। यहाँ से इतना में से 4y निकल गया, तो यहाँ पर x बच गया, इधर क्या है प्लस, इसमें से 4y निकल गया, तो y तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 में से सिर्फ 4 निकला है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा, अगर आप फिर 4y से 2 में गुना कीजिएगा तो 4×2=8 और ये जो y है यहाँ पर आ जाएगा, तो 8y हो जाएगा। फिर x में 4y से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4xy हो जाएगा और यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बड़ी आसान होता है गुणनखंड निकालना, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना होता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।